हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल. मी रतिका गौतम फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग. टुडे माय टॉपिक इज पार्ट 11 टेंस इन विच आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. नाउ यू आर थिंकिंग कि यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिखा है और मैम तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोल रही है. यस एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको पढ़ाया हुआ है, पार्ट 6 और 7 पे था. तो मैं ये बोल रही हूँ जब अपन प्रेजेंट टेंस पढ़ लेते हैं तो हमको पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में कोई दिक्कत नहीं होती. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एज इट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जैसा ही स्ट्रक्चर है. कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हैं जो हम अभी देखते हैं. देखिए, हमने बताया कि पास्ट टेंस, ये मैं फिर से बता रही हूँ जिससे आपको फिर से याद करने में ईजी हो जाए, कि कोई भी टेंस, तीन टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. इनके चार एस्पेक्ट्स होते हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अभी देखो, हम जो कर रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू इंडिकेट दैट ए कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिगन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगन और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन. सी, दिस ऑल आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. Here you can see helping verb of past tense is had and the helping verb of present tense is has or have. उस सिचुएशन में हमको थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ता था कि has किसके साथ लगाएं, have किसके साथ लगाएं. बट जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, had. ये स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, देखे. इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस फॉर्म करेंगे. जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए हैड है, हेल्पिंग वर्ब पहले है. नेगेटिव इसलिए यहाँ पे नॉट है. और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है. मैंने इसको यहाँ पे इसलिए हाइड किया है जिससे आप खुद आइडेंटिफाई करना सीखें कि ये सेंटेंस क्या है. तो ये बहुत ईजी है और आपको ऑलरेडी पता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा WH फैमिली सामने होता है. तो ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव और ये हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो बहुत इजी है. जनरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब होता है जो पास्ट में कोई काम चालू हुआ निश्चित समय से चल रहा होगा, जिसका टाइम बाउंडेशन हमको पता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस फॉर्म करते हैं, जैसे कि यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर. I had been flying the kite since 26 January. यहाँ पे हमने सिंस इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट है, 26 जनवरी बताया गया है इसलिए. और नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हो जाएगा I had not been waiting for 10 minutes. I had not been been watching TV for 10 minutes. इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. जितना ज़्यादा हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे उतना हमारा फंडा और बेस क्लियर होता जाएगा. ये देखिए कुछ सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के. द प्लम्बर हैड बीन फिक्सिंग द वाटर 10 फॉर 2 आवर्स. यहाँ पे देखिए टाइम बताया गया है. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे मैंने इसलिए ये एग्जाम्पल्स दिया है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्योंकि यहाँ पे आपको सिंस और फॉर का यूज मिल जाएगा. नाउ इट्स टर्न टाइम फॉर एक्सरसाइज. ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. जब आप ये वीडियो देखें सबसे पहले तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पहले देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का और उसके बाद ये सॉल्व करना स्टार्ट करें. आई होप सारे लोगों का आंसर सही होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा. ये फिर आंसर है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए अपने आंसर को कि आपका आंसर सही है कि नहीं. सो स्टे सेफ एंड स्ट्रॉन्गर टुगेदर. थैंक यू.